हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। सांग माने आज आम जैक ओडिया व्याकरण उपरे किछि थियोरिटिकल क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण रहूची। ये कौनसी पर्टिकुलर एग्जाम पई नुहे, आमर फायरमैन एग्जाम जे कि बहुत जल्दी हबाकू जाउची, ता सहित जे कि आमर फॉरेस्ट गार्ड जे कि ऑनलाइन भी बहुत जल्दी हबाकू जाउची। फायरमैन एवं फॉरेस्ट गार्ड पई वीडियोटी बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहूची। आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आमे जे कि विशेष्य एवं विशेषण उपर ऑलरेडी क्वेश्चन गुडा को आमर थियोरिटिकल क्वेश्चन एवं एमसीक्यू उपर क्वेश्चन आमे सारी देइचू। जदि भी आपण माने देखिनांदी, आपण माने आम प्लेलिस्ट रे विजिट करिकी ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट रे जाई कि देखि परिबे जे कि आज आम जे कि प्रथम आपण मानक पई आनिचू समापिका ओ असमापिका क्रिया। जे कि आमर समापिका असमापिका क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, मिश्र क्रिया, अमिश्र क्रिया एवं नामधातु एवं सर्वनाम, यहाँ उपर जे कि आम थियोरिटिकल उपर किछि आनिचू आपण मानक पई। आपण माने प्रथमे थियोरी जे कि फंडामेंटल क्लियर हेला परे, तापरे आम आपण मानक पई नेक्स्ट क्लास रे एमसीक्यू उपर क्वेश्चन आनिबा। आज किंतु आम जो डिस्कशन करिबा जे कि केवल आमर कौन ना थियोरी उपर। थियोरी प्रथम आपण डाउट आपणकर क्लियर हो थियोरी रे, तापर आम एमसीक्यू आपण मानक आनिबा। बहुत इंपोर्टेंट रहूची समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया बा सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये सब आपण मानक इंपोर्टेंट रहूची। ये अमर रहूची पार्ट नंबर 7। जदि पार्ट नंबर 6 जंगे आपण देखिना दी आम प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखि परिबे। तेबे चालंतु सांग माने डेरी न करिका आजर प्रथम आम आरंभ करिबा अभय पद। बुझि पारछन्ती ना अभय पद कोण बा काहाकु कहिबा, बुझुचंती अभय पद। अभय पद काहाकु कहिबा, देखंतु लिंग पचन काल विभक्ति बेदरे जेऊ पदर कौनसी परिवर्तन हुए नाही ताकु अभय पद कहंती। बुझी पाइल अभय पद काहाकु कहंती, एमिति गोटे पद आपनकु देइ दबो, पचारिबो कि एटा केऊ प्रकारर पद आपनकु बाछिबाकु पड़िबो, तो आपन सेठी कोन करिवे। तापर एग्जाम्पल अच्छी सबू भी आपण मानक रखी, बास आप धैर्यर सहित वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ। जोटि भी बुझी पार ना आप कमेंट करूँ, ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्लास में आम आपको से जगटा बुझेदेबू। एटि कहला कि अभय पद जहाँ जो पदर गोटे लिंग वचन काल विभक्ति एति एक दुई तीन चार लिंग वचन काल विभक्ति जो पदर कौन ना परिवर्तन हुए ना ताकू आम अभय पद बोली कह। क्लियर अभय पद क्या कहते आप क्लीअर तापे आम जाना अभय पदर प्रकार बेद, ठीक अच्छे। क्वेश्चन टी कौ टाइप आस जानी ना सांग मैंने देखो क्वेश्चन टी पचार ओ एवं आउरी फुणी यहाँ के प्रकार पद कौन कहे ना संयोजक अभय पद। मन रखु ओ एवं आहुरी फुणी ओडिशा पुलिस आमर डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल ठीक यही टाइप गोटे क्वेश्चन पकईला। एटा तो आमर गला अभय पद, ओडिशा पुलिस क्वेश्चन टी पकईला कि कौन ना कौन गोटे पकईला कहतु ना पकईला आमर ट ठ द ना ट ठ ड ढ यहाँ के प्रकार पद कौन कहे ना यहाँ हूँ आमर मूर्धन्य स्पर्श ट ठ ड ढ होउची मूर्धन्य स्पर्श, ठीक से टाइप आमर क्वेश्चन टी पकईदब। किंतु मात्र अथच तथापि यहाँ के प्रकार अभय ना बीजोजक अभय। मन रखी मुझे जहाँ कौच संयोजक अभय आम क्या कहवा ना आमर ओ एवं आहुरी फुणी आउ मध्य बा इत्यादि यही मानक सब आम संयोजक पदय कह मन रहा। तापर देखु बीजोजक अभय क्या कहवा ना किंतु मात्र अथच तथापि बा अबा अथवा किंबा नथुबा यही मानक सब आम बीजोजक पद बोली कहवा। सांग मैंने सेमती देखु पदन्वय प्रश्नसूचक अभय, प्रश्नसूचक अभय तो आपने जापर कहीं गोटे क्वेश्चन मार्क आसतुब किया किंपाई कि कहीं परा ये सब हूँ कौन ना प्रश्नसूचक अभय। ये सब अभय आपण मानक मुझे टेलीग्राम प्रोभाइड करदे यार पीडीएफ आपण मैंने जाके आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करके ए पीडीएफ टी डाउनलोड करके आपण मैंने पढ़ीपारे बुझुचार। ये सब पद मन रखा आपको पढ़व बहुत इंपोर्टाट रोचे बास आपण मानक दुई तीनो कहीदेली से हिसाब से आज मन रखिए क्वेश्चन निश्चय एग्जाम आपड़ देखा पाइबे। तापर मैंने सांग मैंने देखो ये अच्छी कौन ना मन रखा हेबे विशेष्य पदर सब मन रखि के भूल विशेष्य पदर लिंग वचन विभक्ति थाए गोटे विशेष्य पदर कौन थाए ना लिंग वचन विभक्ति
लिंग वचन विभक्ति गोटे विशेष पदर थाए एवं गोटे विशेषण पदर केवल लिंग थाए मन रखु विशेष पदर कौन लिंग वचन विभक्ति थाए कि विशेषण पदर केवल लिंग थाए एवं सर्वनाम पदर कौन थाए ना वचन मन रखु सर्वनाम पदर वचन पुरुष विभक्ति थाए मन रखुंत ना नहीं जहाँ आपन को कहूँ कौन कहली विशेष पदर कौन थाए विशेष पदर कौन थाए कहतु ना विशेष पदर लिंग वचन विभक्ति थाए एवं विशेषण पदर केवल लिंग थाए एवं सर्वनाम पदर जे कि कौन कहली ना सर्वनाम पदर वचन पुरुष विभक्ति थाए वचन पुरुष विभक्ति थाए क्वेश्चन पचारिद गोटे विशेष पदर कौन थाए कौन कहे ऑप्शन आपन को दे आपण मन रखा पड़ो लिंग वचन विभक्ति गोटे विशेष पदर थाए एवं सर्वनाम पदर कौन ना वचन पुरुष विभक्ति गोटे सर्वनाम पदर थाए क्रियापदर कौन थाए ना काल पुरुष वचन थाए क्रियापदर किंतु अभय पदर से सबू किछि न थाए अभय पदर किछि न थाए बुझि पाइले ये जो आपन को मुझे पढ़ाऊँ यार उपर ही क्वेश्चन सांग मैंने आपको रखी आपण मानक से कहि प्रथम फंडामेंटल को आप क्लीयर करूँ फंडामेंटल क्लीयर है जमीक आप विशेष विशेषण ये सब आपर फंडामेंटल क्लीयर हो गला आप कमेंट करते सर आम बुझीपारिचु ठीक से टाइप रहा प्रथम थीओरी की जब भल भाव बुझीदे आप एम सी क्यू करपर कि प्रोब्लेम हेनी बास जो मैंने मन ध्यान देकी भिडियो को देखुवे से मैंने ही एम सी क्यू उपर क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम निश्चय सक्सेस आसवे तापर आम देखा क्रियापद क्रियापद क्या कहुए कहतु देखु वाक्यर जो पदर कौन सी कार्य संपन्न होगा बुझा जाए ताकू क्रियापद कहती कौन कहला ना वाक्यर यह एग्जाम्पल भी अच्छी किंतु प्रथम ये बुझु वाक्यर जो पदर कौन सी कार्य संपन्न होगा बुझा जाए बुझुचन ना गोटे वाक्य आम लिखिले तादर जमी गोटे कौन बुझेब ना से वाक्यटी को शेष होबार बुझेब ताल आम जाना से गोटे क्रियापद जमीक सांग मैंने मन रखु आपन को कहला हरी हरी कौन हरी गोटे वाक्य शेष होगा बुझौच कि बुझौनी मैंने यहाँ आम क्रियापद हेनी जदि आपन को दे था हरी जाऊची कौन ना हरी जाऊची हरी जाऊची कहला मैंने गोटे वाक्यटी को शेष बुझौची बा गोटे वाक्यटी को संपूर्ण रूपे बुझौच हरी जाऊची बुझिपार न एग्जाम्पल देखे आप बुझीपर एटी कहे कि वाक्यर जो पदर कौन सी कार्य संपन्न होगा बुझा जाए ताकू क्रियापद कहती क्रियापद बुझिपार तो ना सांग मैंने बुझिपार ना हरी जाऊची गोटे वाक्यटी को संपूर्ण रूपे बुझेगा तमें यहाँ क्रियापद ठीक अच्छे देखे कौन लिखला प्रत्येक क्रिया क्रियार मूलपिंड थाए प्रत्येक क्रियार मूलपिंड थाए यही मूलपिंड को धातु कहा जाए धातु क्या कहा जाए ना जो क्रियार मूलपिंड थाए से मूलपिंड को आम धातु बोली कहिबा धातु रे विभिन्न प्रकार प्रत्यय जोग होता है काल सूचक वचन सूचक पुरुष सूचक संभावना सूचना प्रभृति ठीक अच्छे काल सूचक वचन सूचक पूरण सूचक संभावना ये सब जे कि गोटे कौन ना आमर प्रत्यय जोग होता है ताकू आम क्रियापद बोली गठन करें क्रियापद बोली कहिबा तापर देखु क्रियापद आप बुझीपाले एग्जाम्पल आपण माना ना कि सांग मैंने अच्छा एग्जाम्पल ना तो मुझे कहीदेज आपड़ी एग्जाम्पल मन रखु जदि आपन को कहला कौन गोटे वाक्य संपूर्ण रूपे है केमी बुझे ना हरी जाऊँगी किए जाऊँगी ना हरी जा हरी कौन करुची ना जाऊची वाक्यटा आमर संपूर्ण रूपे बुझेला ता माने एटा हला आमर कौन ना आमर एटा जे कि वाक्य को संपूर्ण रूपे बुझौची माने आमे एटा जानिले क्रियापद तापर आउ गोटे एग्जांपल दउची सीतार नाच देखिबा सीतार नाच देखिबा मन रखु कौन कौच सीतार नाच देखिबा जदि पचार दे थांदा सीतार नाच कौन गोटे वाक्य को संपूर्ण रूपे बुझौची कि आपण कहबे नाही बुझौनी गोटे वाक्य को संपूर्ण रूपे बुझौनी ता माने एटा आमर कौन क्रियापद हेनी बुझुचंती जदि कही था सीतार नाच देखिबा ता माने एटा गोटे वाक्य को आमर संपूर्ण रूपे बुझौथिबारु आमे याकु कहिबा क्रियापद बुझिपारिले तो चलंतु क्रियापद सहिला आपणकर वर्तमान आमे डिस्कशन करिबा समापिका क्रिया ओ असमापिका क्रिया प्रथमे डिस्कशन करिबा समापिका क्रिया क्या कहाकु कहिबा जानि रखंतु
ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝିଲେ? ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବାକି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାଟରେ ଦୌଡ଼ିଲି। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କ୍ରିୟାକୁ ପକାଯାଇଛି, ନା ଦୌଡ଼ିଲି। ଦୌଡ଼ିଲି କ୍ରିୟା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଯଦି ଦୌଡ଼ିଲିଟା ଆଧାରେ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଟରେ ଦୌଡ଼ିଲି ନାମ କ୍ରିୟାଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଲାଗିଯିବାରୁ ଆମର ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସେମିତି ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି, ଯଦି କେବଳ ଥାନ୍ତା ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି କି? ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ, ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେବନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖେଳୁଛି ଲଗାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି, ଯେ କି ବାକ୍ୟଟି ଆମର କ'ଣ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ କହିବା ଅସମାପିକା, ସରି, ଆକୁ ଆମେ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଏଠି ଦୌଡ଼ିଲି, ଏଠି ଖେଳୁଛି, ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଆପଣ ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ଦୌଡ଼ିଲିଟା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଖେଳୁଛିଟା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ଏବଂ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିବା? ଆପଣ କହିବେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିବ, ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା, କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, କାହିଁକି ନା ଯାଉ ଯାଉ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଆକୁ କହିବା ଯାଉ ଯାଉଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମର ପଡ଼ିଗଲା, ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା କେଉଁ କ୍ରିୟା, ଆପଣ କହିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା, କାହିଁକିନା ପିଲାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯାଉ ଯାଉ ମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ହାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ହାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଧରିଟା ପଚାରିଲା ଆମକୁ କ'ଣ, ଏଇ ଧରି ଯେ କି ଆମର କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏବଂ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା, ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା, କାହିଁକି ନା ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ କହିବା କ'ଣ କହିବା, ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଧରି ପଚାରିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକ ରହିଲା ଆପଣ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆରି ଉପରେ ଆସୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବାସ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଏଠି ବୁଝି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ବଢ଼ିଆ କଥା ପଚାରିଲା ଏଠି ଆମକୁ। କ'ଣ ପଚାରିଲା, ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ, ଯଦି ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛୁ ତାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କହିବା, ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି ତାକୁ ଆମେ ଅସମାପିକା କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲା ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାର କଥା, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଥିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା କ୍ରିୟା ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଘଟୁଥିବା କ୍ରିୟାଟି ହେଇଯିବ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଗୋଟିଏ ଧରନ୍ତୁ, ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଧରନ୍ତୁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି,
ଧରି ଗୋଟିଏ ଧରନ୍ତୁ, ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଧରନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଅଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଧରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲା କି ପ୍ରଥମେ ଘଟୁଥିବା କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ଧରି ଏବଂ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କ୍ରିୟା ଘଟିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହିବେ ଧରି, ଧରିଟା ଆମର ଘଟିଛି ପ୍ରଥମେ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ପ୍ରଥମେ ଘଟୁଥିବା କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। କର୍ତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପ ବଦଳେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପ ବଦଳେ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତା ବଦଳିଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାଇଲେ କ'ଣ କହିଲା? କର୍ତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପ ବଦଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ବଦଳିଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। କର୍ତ୍ତା ବଦଳିଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପ ବଦଳେ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ ନା, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗଠନରେ ଧାତୁ ସହିତ ପୁରୁଷବାଚକ, ବଚନ ସୂଚକ, କାଳସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ନା, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷବାଚକ, ଗୋଟିଏ ବଚନ ସୂଚକ, ଗୋଟିଏ କାଳସୂଚକ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇକି ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ପୁରୁଷ ବଚନ ଓ କାଳ ବଦଳିଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପ ବଦଳେ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୁଝାଇବାକୁ, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ବେଖାତିରେ ଭାବିବେନି। କହିଲା କି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ଅସମାପିକା କହିବା, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, ଧରି ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଗଲା କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ, ତାପରେ ଗଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଓ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଓ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଓ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିବା, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରି ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି, ହରି ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି, ଏ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଅଛି। ଆର କର୍ମ କ'ଣ ନା ପହଁରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ହରି ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି, ହରି ନଦୀରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପହଁରୁଛି, ପହଁରୁଛି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ଯେହେତୁ ଏ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ କ'ଣ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସରିତା ବହି ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ୁଛି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, ଯିଏକି ଆକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଯଦି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତା ସରିତା ବହି, ସରିତା ବହିଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, ତାମାନେ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପଦର ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପଢ଼ୁଛି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, ପଢ଼ୁଛି ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛି ଦେଇନଥାନ୍ତା ତାମାନେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ପଢ଼ୁଛି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯାଉଛି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପହଁରୁଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପହଁରୁଛି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଦୀ, ଏବଂ ପଢ଼ୁଛି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ବହି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିବା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିବା। ପିଲାଟି ନାଚୁଛି, ଆର କିଛି କ୍ରିୟା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିବା। ଗୋପାଳ ଖେଳୁଛି, କେଉଁଠୁ ଖେଳୁଛି ନା ଖେଳୁଛି, କହିଲେ ତ ହେବନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତ ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିବା ଦରକାର। ଇଏ ପିଲାଟି ନାଚୁଛି ଷ୍ଟେଜ, କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଦେଇନି ଯେହେତୁ ଆର କ୍ରିୟା ଦେଇନି, ଆକୁ ଆମେ ଅକର୍ମକ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଚୁଛି ଖେଳୁଛି କ୍ରିୟାର କର୍ମ ନଥିବାରୁ ସେ ଦୁଇଟି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହେଇ, ନାଚୁଛି ଗୋଟିଏ ଖେଳୁଛି ଗୋଟିଏ, ଏଇ ଦୁଇଟାର କର୍ମ ନଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଆଦେହରେ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ରହୁଛି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି। ଏଠି କହିଲା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଦୁଇଟା କର୍ମ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିବା।
दीटा कर्म कौन ना सीता रीता को सर्कस को नेला सीता रीता को सर्कस को नेला किए कहाँ को नेला सीता नेला कहाँ को रीता को नेला रीता का सांगरे गला सीता संगरे गला कौटिकी गला सर्कस को गला कौन पचारा देखु शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे शिक्षक क्या प्रश्न पचारे छात्र को किए प्रश्न पचारे ना शिक्षक पचारे देखु कौन कौच नेला क्रियार दुईट कर्म यो नेला आर हूँ दीटा क्रिया अच्छी से दीटा क्रिया किए किए गोटे हूँ रीता गोटे हूँ रीता गोटे हूँ सर्कस ठीक अच्छे ए नेला क्रियार दुईट क्रिया गोटे हूँ रीता गोटे हूँ सर्कस कहीं सीता रीता को नहीं था रीता को कौटिक नहीं सर्कस को नहीं था ए दीटा हूँ नेलार क्रिया बुझिपारे से पचारे क्रियार यो शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे आर जे कि दुईट क्रिया अच्छी दुईट क्रिया गोटे है छात्र कहीं छात्र है ना शिक्षक क्या प्रश्न पचारी ना छात्र को पचारी छात्र को कौन पचारी ना प्रश्न पचारी छात्र हो गला गोटे क्रिया प्रश्न हो गला गोटे दुईट सरी एटा कर्म ठीक अच्छे दुईट कर्म पचारे पहला गोटे क्रिया पचारे क्रियार दुईट कर्म है गोटे छात्र गोटे है प्रश्न बुझिपार तो चलतु नेक्स्ट देखा मिश्र क्रिया और अमिश्र क्रिया मिश्र क्रिया और अमिश्र क्रिया मिश्र क्रिया क्या कह कहु मिश्र क्रिया आम क्या कह एकाधिक क्रियार मिश्रण से गठित क्रिया को मिश्र क्रिया कहती एकाधिक क्रिया किसी कि मान एकाधिक मान कौन किसी गोटे क्रिया को लेकिन जेकि गठित गोटे क्रिया को आम मिश्र क्रिया कह कि क्रिया को मिसिक जो क्रियाटा गठित हुए आम मिश्र क्रिया कह एक्जाम्पल देखु तुम्हें मंदिर दर्शन कल तुम्हें मंदिर दर्शन कल समस्याटी समाहित है दर्शन कल देखु ये दर्शन कल दुईट पदर समाहार गोटे हूँ दर्शन गोटे हूँ कल ए दुईट पदर समाहार को लेकिन गोटे मिश्र क्रिया सृष्टि देखु दर्शन क्रियावाचक विशेष्य ठीक अच्छे दर्शनटा हूँ क्रियावाचक विशेष्य कर हूँ क्रियापद बुझिपार तुम्हें मंदिर दर्शन जदि पचार तुम्हें मंदिर दर्शन कौन मंदिर दर्शन कौन ना कल कलटा हूँ आम कौन गोटे क्रिया को बुझेला कलटा हूँ गोटे क्रिया हो गला आमर जेहेतु आम कर जदि गोटे क्रियापद हो गला दर्शन आमर कौन हो क्रियावाचक विशेष्य ठीक सेमती समस्याटी समाहित है समस्याटी समाहित है जदि आपन को पचार कौन कहे देखु समस्याटी समाहित है ये आप कहे कौन ना दुईट पदर समाहार दुईट पदर समाहार जे कि समाहित है पचारि समाहित गोटे है गोटे नाम धातु कथा पचार नाम धातु कौन ना विशेष्य और विशेषण पदर इवा एवा आईवा इत्यादि जोग कले जो सब धातु गठित हुए आम नाम धातु कह कौन कहला नाम धातु क्या कह ना गोटे विशेष्य पदर इवा एवा आईवा इत्यादि जोग कले सब जहाँ भी सब रहा सब जोग कले आम जहाँ भी इवा आईवा लगे द्वारा गोटे विशेष्य पदर जो पद सृष्टि आम नाम धातु कह देखु एग्जाम्पल नाम धातु मुझे कौन कहली ना गोटे विशेष्य पदर इवा आईवा ये सब जोग कले जो धातु सृष्टि आम नाम धातु कह आगे जदि आम कौन ना इवा जोग करवा आगे आगेबाटा हो गला नाम धातु सेमती काख काखेवा गाल गाल गदा गदेवा छोटा छोटेवा ये सब जो विशेष्य पदर जो धातु सब ये जो सृष्टि आपको आम सब नाम धातु कह एग्जाम पचारद नाम धातु क्या कहुए आप गोटे विशेष्य पदर इवा आईवा जोग कले जो नूतन पद सृष्टि हुए आम नाम धातु कह बुझिपार देखु ये सब से एग्जाम्पल आपन को देखिए काख काख इवा जोग कौन है ना काखेवा काखेई नाम धातु क्रिया को शब्द क्रिया कहुए मन रखि काखरु इवा लगे द्वारा काखेवा हो गला काखेवाटा आमर गोटे नाम धातु हो गला सेमती पचारे कि नाम धातु क्रिया को आउ कौन कह शब्द क्रिया कह गोटे नाम धातु नाम धातु क्रिया को आम शब्द क्रियापर ठीक अच्छे तापर देखु सर्वनाम पद आम क्या कह सर्वनाम पद क्या कह एग्जाम पचारद सर्वनाम पद क्या कहुए ना जो पद विशेष्य पद व नाम बदल में व्यवहृत हुए
कौन ताकू सर्वनाम पद कह जो पद विशेष पद बा नाम बदल गोटे विशेष पद किंबा गोटे नाम बदल व्यवहृत हुए आम पद बोली कह जमीक हरी स्कूल जाऊँगी आपण मैंने जान लें हरी लगे गोटे नाम हरी लगे हरी स्कूल को जाऊँगी से स्कूल चारिटा बेले फेरुची से स्कूल गोटे नाम गोटे कौन नाम जगार से बोली लगला ना नहीं गोटे से बोली लगे कि ना नहीं जदि पचार ना हरी स्कूल चारिटा बेले फेर आपण मैंने जान लें गोटे नाम लगे जेहेतु गोटे नाम बदल गोटे कौन ना से बोली लगे आम या कह सर्वनाम पद गोटे सर से बोली कौन गोटे सर्वनाम को बुझौती पर्टिकुलर हरि कहे आम हरि को बुझा से लगे द्वारा आम तो हरि की आगे बुझानी ना से बोली आम गोटे सर्वनाम जहाँ कहे बुझा से कि से लगे द्वारा यहाँ हो गल सर्वनाम पद जो पद बा नाम बदल व्यवहृत हुए आम सर्वनाम पद बोली कह देखु ये कौन कहला एटारे हरि हरिनाम वाचक विशेष बदल से व्यवहार करा कौन कहला ना हरिनाम बदल से नाम व्यवहार करा आम या कह सर्वनाम पद सर्वनाम पदर प्रकार बेद सर्वनाम पद दुई प्रकार सर्वनाम प्रकार दुई प्रकार मन रखिए सर्व एग्जाम पचार सर्वनाम केते प्रकार सर्वनाम पद केते प्रकार ना दुई प्रकार मन रखि थे देखु गोटे आमर कौन ना पुरुषवाचक पुरुषवाचक देखु पुरुषवाचक भितर के कौन ना प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष निर्देशवाचक सब जाऊँगी ठीक अच्छे प्रथम पुरुष क्या कह ना मु आंभे मो मोते आंभे माने इत्यादि को आम प्रथम पुरुष कह एग्जाम क्वेश्चन पचार मु आंभे मो मोते एटा क्यों प्रकार पुरुष प्रथम पुरुष ना द्वितीय पुरुष ना तृतीय पुरुष कौन कहे ना मु आंभे मो मोते आंभे माने लगला माने एटा होची प्रथम पुरुष आउ द्वितीय पुरुष क्या कहवा ना तू तुम्भे आपण तुम्भे माने तुम्हें तो ये सब होची द्वितीय पुरुष एवं तृतीय पुरुष क्या कहवा ना से आम तृतीय पुरुष कहवा तापर कहला निर्देशवाचक क्या कहवा कहतु निर्देशवाचक क्या कहवा आपण मानक टी पूर्व कही सर्वनाम प्रकार वेद दुई प्रकार गोटी हैला कौन पुरुषवाचक ठीक अच्छे आउ गए पचार कि निर्देशवाचक निर्देशवाचक क्या कहवा ना यही जन को आम निर्देश दवा ए से जिनसटा नहीं ता से रख जन को आम निर्देश दे मान से कौन यही अनिश्चयवाचक कई किसी संबदवाचक से जे जेते तेते सेते ये हूँ सब संबदवाचक प्रश्नवाचक कौन किए क्योंठी इत्यादि क्वेश्चन मार्क आसला मान या आम प्रश्नवाचक कह आत्मवाचक आत्मवाचक कौन निज को बुझेब निजे आपे इत्यादि इत्यादि बोले आज जहाँ रहा सब ये हूँ आत्मवाचक मुशा करुच्चे सांग मैंने आपण मैंने सब आराम से बुझीपारी तो मुझ बहुत जल्दी नेक्स्ट जे क्लास देखिए एम सिक्यू आपँ आपड़ भिडियो को शेष पर्यटन देखि बुझाक चेषा करूँ जदि बुझीगले कमेंट बक्स में कमेंट करूँ आम बहुत जल्दी आपई कौन ना आमर जो आपण को बर्तमान आम पढ़ेलु क्रियापद सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया बुझुंट समापिका क्रिया असमापिका क्रिया द्विकर्मक क्रिया मिश्र क्रिया अमिश्र क्रिया नाम धातु एवं पुरुषवाचक प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष जो सब वाचक आपण को कहलु यार एम सी क्यू नहीं आसुचु बहुत जल्दी तो आपण मैंने भल भलसे मन ध्यान देखिए पढ़ु जय जगन्नाथ।